तो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पे आप सबको। तो आज में हमारा केरला पे सेकेंड है, उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, तो आप मुझे बोलेगी कि ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। कुछ सुनकर मेरे आँख से आंसू निकल आए। नहीं, इतना दर्द होता है कि वो जो ट्रीटमेंट होता है ना, बस मोबाइल को यही एक प्रे करती हूँ कि बस सब जल्दी से वो ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। बस और कुछ नहीं चाहिए, वो बस ठीक हो जाए, ऐसा चाहती हूँ। तो यहाँ पे ना जो खाने का मेन है वो बहुत ही रेड है। तो फ्रेंड्स, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है ना, वो थोड़ा बुजुर्ग रहते हैं, इसलिए उनको देखती हूँ तो मुझे ब्लॉगिंग करने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता है। बस भगवान जी को डरती हूँ कि सब अच्छे से हो जाए। कोई कोई बोलते हैं ना, उसका पति का तबियत ठीक नहीं है, वो कैसे वीडियो बना रहा है, ब्लॉगिंग कर रहा है, इंस्टा पर रील्स कर रहा है। मेरा पति का तबियत ठीक नहीं है, मेरे ऊपर क्या बीत रहा है वो ही मैं ही जानती हूँ। और बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे ना, मुझे उनसे क्या है, कुछ भी नहीं ना। और एक बात, जिसको जो बोलना है वो बोलिए, मुझे किसी को सफाई देने का ज़रूरत नहीं है। मेरा पति के साथ मेरा साथ है, तो मैं सब कुछ झेल सकती हूँ। कोई मुझे क्या कहेगा क्या नहीं, उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना भगवान जी के पास प्रे कर रहा हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, बस वही और कुछ भी नहीं। अब जो आपको जो जो भी जो बोलना है, जिसको भी जो बोलना है बोलिए, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हूँ ना, मेरा पति की तबीयत ठीक नहीं। हर एक बात मैं रोऊंगी नहीं, कभी भी नहीं रोऊंगी। मैं ना बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं मेरा पति का स्ट्रेंथ हूँ। तो मैं टूट जाऊंगी तो उनको कौन सपोर्ट करेगा। कष्ट तो बहुत होता है अंदर से ना, बहुत कष्ट होता है, लेकिन उनके सामने मैं कभी रोता नहीं हूँ। उन्होंने मुझे रोता हुआ देखेगा तो वो टूट जाएंगे, इसलिए बस मैं रोता नहीं हूँ कभी उनके सामने भी। और रही ब्लॉगिंग बनाने के बाद, ब्लॉगिंग तो मैं बनाऊँगी, जिसको जो बनना है वो बोलिए, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा पति का साथ मेरे साथ है ना, और जिसको जो बोलना है वो बोलिए। और एक बात, जो बोलते हैं ना पति की तबीयत ठीक नहीं है, ब्लॉगिंग कर रहा है, खुश है, मैं ना सब कुछ भगवान जी के ऊपर छोड़ दिया हूँ, उनके ऊपर छोड़ दिया, उनको जो करना है वो करेंगे। मैं बस मेरा
जो ड्यूटी है ना वही निभाऊंगी बस, और सब कुछ किसको रखना किसको लेना वही तो भगवान जी के हाथ में है, मैं बस कुछ भी नहीं, मैं बस मेरा ड्यूटी ही करूंगी। तो प्लीज़ आप लोग मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ऐसा गंदा बात मत बोलिए, क्योंकि ना मेरा पति का तबीयत ख़राब है, मेरे ऊपर क्या बीत रहा है वही सिर्फ मैं ही जानती हूँ, और किसी को कुछ बोलने से कुछ समझ नहीं पाएंगे। फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा जितना भी सोना था वो सब कुछ गिर भी रख दिया, क्या करूँ, पति के चाहूँगी ना सोना को चाहूँगी ना, बस सब कुछ चला जाए बस वही ठीक हो जाए, वही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। बस आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग थोड़ा भगवान जी के पास प्रे कर दिए और जल्दी से ठीक हो जाए, बाय। बस इतना ही बोलना था आप लोगों को, और एक बात प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, थोड़ा सा मदद हो जाएगा आप लोग से प्लीज़ प्लीज़। तो फ्रेंड्स चलिए आपको दिखाती हूँ यहाँ का जो हॉस्पिटल है ना, जो आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा है। चलिए रूम में बैठे बैठे बहुत बोर लगता था, इसलिए हमने सोचा कि चलिए थोड़ा घूम आते हैं, आप लोग भी थोड़ा दिखा देते हैं। यूट्यूब ले तो फ्रेंड्स आज है हमारा केरला में तीसरा दिन, तो मैं जो कल ब्लॉग किया था ना वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि ना उनका तबीयत बहुत ही ख़राब हो रहा है, जो ट्रीटमेंट करते हैं ना बहुत, मतलब बहुत ही पेन होता है, आपको तो पता होगा कि ना आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट तो बहुत ही पेन ही होगा, उनको पेन हो रहा है, इसलिए वो खुश नहीं तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ ना, इसलिए भी मन नहीं करता है ब्लॉगिंग करने के लिए। बस कल से ही ये ब्लॉग चला रहा हूँ, सुबह से कुछ भी ब्लॉग नहीं किया, उनके साथ गए थे, इनका जो ट्रीटमेंट होता है ना जो रूम में वो वहाँ पे गए थे, मैं गई थी, लेकिन वहाँ पे ना अलाउ नहीं करते हैं अंदर जाने के लिए, सिर्फ मैं जो दरवाजे के पास ही खड़ा रहता था और वहाँ से आया, मतलब जो ट्रीटमेंट करते हैं ना वो आकर बोलते हैं कि मैं पूछ तू कैसे कैसे किए, तो क्या बताऊँ आग से, मतलब रोना आ जाता है, इतना इतना पेन होता है, क्या करूँ, बस भगवान जी को यही दुआएं करती हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, और कुछ भी नहीं बस। और मैं एक बात आप लोग को वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ, जब भी उनका ये सिचुएशन कैसे हुए पता है, और जब भी उनका हेड पेन करता है ना और जो पेन किलर ले आकर खा देते थे जाकर मेडिसिन स्टोर से, वही जब भी पेन करता है मेडिसिन स्टोर जाते हैं मेडिसिन ले आकर खा लेते हैं, वही आप लोग सबको मैं बता रहा हूँ, जब जिस जो भी हो ना पहले जाकर डॉक्टर से दिखाए उसके बाद मेडिसिन लाकर खाए, मैं नहीं चाहती हूँ जैसा कि मेरा संसार में ऐसा कुछ हो गया ना, मैं बता भी नहीं सकती हूँ, मैं अंदर से बहुत टूट गए हूँ, लेकिन क्या कर, दो बच्ची है ना बस, फिर मैं अपने आप सोचती हूँ मैं और टूट जाऊँगी तो मेरे बच्चे कौन देखेगा, उनको कौन संभालेगा, इसलिए अंदर जितना भी कष्ट हो या नहीं हो मैं
किसको पता चलने नहीं देती हूँ कि मैं कष्ट में हूँ, कि मैं रो रहा हूँ। गाइस में ऐसा 3 साल हो गया है उनका जो एक किडनी प्रॉब्लम होने को, तो मैं एक दिन क्या एक रात भी नहीं गया कि मैं नहीं रोया। ऐसा कोई भी रात नहीं गया कि मैं नहीं रोया। तो और भी एक रीज़न है ऑर्गन खराब होने का। प्लीज़ जो भी भैया और जो भी मेरे से बड़े हैं छोटे जो भी है, प्लीज़ मैं आप लोग सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ड्रिंक्स मत करो। जो भी ड्रिंक्स कर रहे हो ना, थोड़ा लिमिट के करो, नहीं तो छोड़ दो। आप अभी बैचलर हो या शादी कर ले हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगा तो आप तो चले बसोगे। आपके भरोसे में जो तुम्हारा फैमिली है वो क्या करेंगे? तो वही बात को समझो, उनके बारे में थोड़ा सोचो। तो क्या बताऊँ, कुछ भी बोल भी नहीं सकती। और यहाँ पे भी मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ क्या बोलूँ, मैं रोना नहीं चाहती हूँ। मैं रोना नहीं चाहती हूँ ना, मैं ना बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं स्ट्रांग नहीं होती तो ब्लॉगिंग नहीं करता था। बस कुछ भी नहीं और बोलूँगी, बस इतना ही बोलूँगी भगवान जी थोड़ा मेरा 2 बच्चे को देखिए, उनको जल्दी से ठीक कर दिए। बस यही और कुछ भी नहीं। तो छोड़िए, मैं तो क्या बोलता हूँ, मेरे लाइफ में तो यही सबसे बड़ा दुख है और कुछ भी नहीं। मेरे साथ ना दुनिया में कोई नहीं दे, मेरे साथ कोई ना दे तो चलेगा। बस भगवान जी को यही बोलती हूँ, मेरे पति को ठीक कर दे और कुछ भी नहीं। तो यही मेरा बेटी सन छोटी वाली है, उसको 10 महीना है। तो क्या करूँ, 2 बच्चे को लेकर यहाँ पे अकेले मेडिसिन लाना, उनको ट्रीटमेंट देखना, सब कुछ अकेले देखना पड़ता है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे रखती हूँ, देखा होगा नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। मैं यूट्यूब में नया हूँ, तो आपको कुछ ट्रिक पता है तो प्लीज़ मुझे बता देना। इस रखती हूँ, बाय बाय, नमस्कार।